हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो यहाँ पर मेजर लीग सॉकर का भाई मैच हो रहा है। बड़ा तगड़ा मैच है, तगड़ा मतलब खेलने लायक है, अच्छा मैच है। तो वैंकूवर और पोर्टलैंड टिम्बर्स आपस में भिड़ेंगी भाई 8:11 पे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया और जो लोग नए हैं उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है भाई, जाओ करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। बाकी हम इस वीडियो में किसी भी गलत चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो आगे चलते हैं। तो बात करें इस मैच की, भाई वैंकूवर टीम भी तगड़ी खेल रही थी, लेकिन इनके कुछ प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो गए अचानक, जैसे आर गोल्ड, पी वाइट हो गया, बी वाइट हो गया और एफ पिकोल्ट हो गया, जिन्होंने लास्ट मैच में जीत गए लेकिन पेनल्टी से जीते, मतलब जो लास्ट पेनल्टीज होती हैं एक्स्ट्रा टाइम के बाद, तब ये जीते, नहीं तो मुश्किल था इनका जीतना। और पोर्टलैंड टिम्बर्स जीतती अपने दम पे, चलते मैच में हाईएस्ट गोल मेकर है भाई। मेजर लीग सॉकर के अंदर ज़्यादा टीम्स नहीं हैं और गिनी चुनी टीम, इसमें मेरे को पोर्टलैंड टिम्बर बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये टीम ना जो काम करना है इन्होंने 90 मिनट में करना है। मैंने एक्स्ट्रा टाइम तक इनका, वैसे तो मैच जाएगा नहीं क्योंकि ये नॉकआउट है ही नहीं, और मैंने ड्रॉ होते इनका मैच देखा ही नहीं, मतलब ये है ऐसी टीम, या हारेगी या जीतेगी। तो अब ये रिज़ल्ट आपके सामने आ ही जाएगा कल, और मैं तो इनके साथ हूँ, पोर्टलैंड टिम्बर्स के साथ। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ तो जे रॉड्रिग्यूस बहुत कमाल का खिलाड़ी है, लास्ट मैच में भी गोल कर गया बंदा, सब्स्टिट्यूट आया था भाई 36 मिनट के लिए, मतलब यार मैं कितनी तारीफ़ करूँ, अब तो मैं भी थक चुका हूँ, जब वीडियो बनाता हूँ इस बंदे का नाम आएगा ही आएगा, और ये तारीफ़ लायक है, जितनी तारीफ़ करूँगा ना उतनी कम होती जाएगी, इतना अच्छा प्लेयर है। उसके बाद एफ़ मोरा और ए एल्विस सेंटोस, पहले तो ये तीनों प्लेयर बहुत फाड़ू हैं, ये तीनों खेल गए तो तीनों गोल कर सकते हैं, इतने फाड़ू प्लेयर हैं, लेकिन ये तीनों में से कोई दो खेलेंगे, पहले आप ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, इन तीनों प्लेयरों में से कोई दो प्लेयर खेलेंगे और उन दो खिलाड़ियों को आपने लेना ही लेना है आफ्टर लाइनअप्स, पहले नहीं। पहले तो अभी आप किसी को भी सेव कर लो, मैं एंटोनी को निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं एंटोनी का डाई हार्ट फैन हूँ, पहले तो आप ये सुन लो, इस बंदे के गेम प्ले पे मरता हूँ। जब इसका गोल आया था लास्ट मैच में तो मैं बहुत खुश हुआ था, बहुत दिनों बाद गोल आया था क्योंकि ये फॉर्म में नहीं था। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में भाई बी वाइट है, जो कभी कभार गोल करना, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा ऐसा ही गेम प्ले, और पिकोल्ट, मैं आपको सही बोलूँ तो आप सेफ जाओ, मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप एक 93% सिलेक्टेड प्लेयर पे रिस्क ना लेकर आप पिकोल्ट के साथ चले जाओ, क्योंकि पिकोल्ट कोई बड़ी हस्ती नहीं है। अगर पिकोल्ट कोई बड़ा प्लेयर होता ना तो मैं रिस्क लेते हुए सोचता भी ना, मैं सिलेक्शन देखता भी ना, मैं देखता भी नहीं हूँ। आज इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आज भाई ज़रूरी है, या हार हो जाएगी। उसके बाद मिडफील्डिंग की बात करें, आर गोल्ड सच अमेजिंग प्लेयर, बहुत हद तक टीम को जिताया है, बहुत जिताया भाई इस बंदे ने, कई मैचेस में इसने मैच जिताए हैं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा। उसके बाद एस बेरहल्टर को मैंने लास्ट मैच में लिया था, क्योंकि एस आर्मस्ट्रांग को मैं लेता नहीं, स्कॉफ चल नहीं रहा। उसके बाद नीचे आओ तो क्यूबस को तो आप ये लगा लो जगह ही नहीं दी। उसके बाद पी वाइट चलता नहीं, तो इनके प्लेयर बहुत बेकार है भाई, इनका बेरहल्टर ठीक लगता है। ऑपोजिशन टीम में इवेंडर है, फाड़ू प्लेयर, बहुत तगड़ा प्लेयर, और एस मोरेनो है, मतलब ये तो मेरी पूरी टीम बन गई है, तो मेरे को सोचने का मौका भी नहीं देती, मेरे को पोर्टलैंड टिम्बर्स में डर ही नहीं लगता, मेरे को पता है भाई ये प्लेयर हैं ये चलेंगे। डिफेंडिंग की बात करें, आर सी निकलस ब्रावो, इसकी वापसी हो गई लास्ट मैच में, ठीक है 7 पॉइंट आप देख रहे होंगे, इसने लास्ट मैच में 22 सितंबर को 45 मिनट्स के लिए आया था, शायद वो थोड़ी बहुत इंजरी रह गई होगी, लेकिन आज 90 मिनट खेलने की उम्मीद है, भगवान करे खेले, नहीं तो क्लीन शीट के पॉइंट नहीं मिलते, और अगर लग जाए तो। उसके बाद मोस्केरा को लेंगे, मोस्केरा के बाद एमरोजो मेरे भाई थर्ड डिफेंडिंग पे है, अभी मैं नहीं ले रहा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना लास्ट में लूं, और अभी मैं जुपैरिक वगैरह के साथ जाना चाह रहा हूं अगर खेला तो। बाकी मिलर है, बहुत ऑप्शन है, आपको दिक्कत नहीं आएगी इतना मैं कह दूं। और गोलकीपिंग की बात करें तो वाई टाकाओका के साथ जा रहा हूं, टाकाओका इज़ अ नाइस प्लेयर। एंड बात करें कैप्टन की, कप्तान है मेरा रॉड्रिग्यूज, वाइस कप्तान है इवेंडर। असल में मेरा मन मान रहा था कि मैं एफ मोरा को कैप्टन वाइस कैप्टन रखूँ, लेकिन जब मैंने टीम बनाई थी अपनी दूसरी आईडी में तो मैंने एफ मोरा को कैप्टन वाइस कैप्टन से हटा दिया था, क्योंकि मेरे को रिस्क लग रहा था भाई, इवेंडर बहुत अच्छे पॉइंट देता है और रॉड्रिग्यूज तो अलग फॉर्म में है। तो अभी मज़ा लो आप इन दोनों खिलाड़ियों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।